हेलो, वेलकम टू एडवाइसर। हम लोग लूसेंट सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अभी हम लोग टॉपिक पे पहुंचे हैं, टेक्सोनमी वाले टॉपिक पे, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ऑक्टोपस इज एन आर्थ्रोपोड है या इकाइनोडर्म है या हेमिकॉर्डेट है या मोलस्क है। ठीक है, तो ऑक्टोपस जो है, जैसा कि नाम इसमें दिख रहा है, तो ये आपका सबसे पहली बात तो ये मोलस्क की कैटेगरी का है। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑक्टोपस देखते हो तो आप देखते हो पूरा का पूरा मसल्स से बना हुआ है। ठीक है, और इनकी मसल्स ना बहुत स्ट्रांग होती है। मोलस्क में क्या होता है कि ये पूरे के पूरे मोलस्क मतलब मसल से बने हुए हैं, लेकिन इनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए इसके ऊपर एक शेल लगा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पायला देखते हो, ठीक है, पायला हो गया या यूनियो हो गया, जिसको हम शंख कहते हैं, या इसको हम यूनियो को हम सीप कहते हैं। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को आप देखोगे तो पाइला यानी कि जो शंख होता है उसके अंदर एनिमल होता है। ठीक है, और ऊपर से शंख देखिए कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, यानी कि उसका शेल बहुत स्ट्रांग है। तो वो स्ट्रांग इसलिए है ताकि अंदर जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है वो आराम से रह पाए। ठीक है, उसके लिए ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव शील्ड है। लेकिन जो आपके ऑक्टोपस यानी कि जो ऑक्टोपोडा ग्रुप के हैं, कौन से ग्रुप के हैं, कौन से ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑक्टोपोडा। ठीक है, और ये कौन से, ये सिफेलोपॉड में आते हैं। क्या, कौन से मोलस्क है, सिफेलोपॉड। ठीक है, सिफेलोपॉड और ऑक्टोपोडा ऑर्डर है इनका। ठीक है, ऑक्टोपोडा ऑर्डर का मतलब होता है इसमें 8 लेग्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 लेग्स। तो यहाँ पे जब आप ऑक्टोपस देखोगे ना, मान लीजिए ये ऑक्टोपस है, तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे 4 लेग्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, और 4 लेग्स यहाँ पे होंगे, यानी कि अगर मैं दोनों साइड को देखूँ तो ये, इसको अगर मैं बीच से स्प्लिट करूं तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। तो आप कहोगे ये बाइलेटरल सिमेट्री भी इसमें आ रही है। ठीक है, पूछता है कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री होती है जब आप उसको बीच से कट करो और एकदम इक्वली पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, 8 लेग्स होते हैं। ये जो ऑक्टोपस है ये मोलस्क ग्रुप से है। ठीक है, मोलस्क ग्रुप वो होते हैं जिनमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं और प्रोटेक्टिव के लिए कुछ कवरिंग्स होती हैं। ऑल्दो इसमें नहीं है, बट इसके मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपना प्रोटेक्शन कर लेता है। ठीक है, अब अगर मैं लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट की बात करूं तो अगेन वो आंसर ऑक्टोपस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्विड। क्या आ जाएगा, स्क्विड। ठीक है, कौन सा स्क्विड है, कोलोसल स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चंस आए हुए हैं, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, यूबीपीसीएस मेंस में आया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्क्विड। कौन सा स्क्विड, पूरे स्क्विड का नाम क्या है, कोलोसल स्क्विड। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट कौन होता है, इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होता। ठीक है, ये जो आपका कोलोसल स्क्विड है ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है और इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर के अप्रोक्स होता है। ठीक है, 12 to 14 मीटर के अप्रोक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार इधर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि क्लास और उसका किस ऑर्डर को बिलोंग करता है या किस क्लास को बिलोंग करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये चार में से, ये चार जो ऑर्गेनिज्म, चार जो एनिमल है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। बेसिकली पूछ रहा है इसमें से ऑड वन आउट कौन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। अब इन चार ऑप्शन में देखिए जो आपके माइट है, माइट, स्कॉर्पियन, दिस वन माइट हो गए, स्कॉर्पियन हो गए और स्पाइडर हो गए। आपको अगर ये लिस्ट याद रहेगी तो इधर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो कई बार पूछता है आपसे, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे आंसर लिखा है, मतलब आपके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, प्रॉन है, क्रैब है और वुड लाउस। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या क्या है, ये तीन एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने तीन दिया है, जैसे माइट है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है। देखिए स्कॉर्पन और स्पाइडर और माइट, ये तीन एग्जाम्पल दिए किसमें, अराकनेडा में। अराकनेडा में बेसिकली अराक का मतलब होता है स्पाइडर। ठीक है, इस अराक का मतलब होता है स्पाइडर या स्पाइडर जैसे एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्पाइडर जैसे एनिमल है, आपको यहाँ पे टिक दिख रहा होगा। ठीक है, टिक देखिए, टिक का जो स्ट्रक्चर है या जो जिस तरीके से लेग्स हैं वो एग्जैक्टली आपको दिखेंगे स्कॉर्पियन में भी, और ऐसे ही आपको दिखेंगे आपको स्पाइडर में भी। स्पाइडर में भी कुछ इस तरीके से आपके लेग्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से लेग्स होते हैं स्पाइडर में भी। लेकिन क्रैब में देखिए, क्रैब में अलग है, क्रैब में आगे की तरफ जो आपको लेग्स दिख रहे हैं वो डिफरेंट दिख रहे हैं, क्लैस्पर्स होते हैं, जिससे वो पकड़ता है किसी को, अगर उसको बहुत अच्छे से पकड़ना है। ये इसके क्लॉज है आगे, देखिए ये जो हाथ इसके दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्लॉज है, दिस वन।
ये दोनों आगे क्लॉज हैं और इन क्लॉज की सहायता से वो प्रोटेक्ट सामने वाले को पकड़ लेता है, बहुत तेजी से ग्राब कर लेता है, ठीक है। तो ये वाली क्वालिटी ना बाकी तीनों में नहीं है, बाकी तीनों जो है किसी तरीके से डंक मारने का काम करते हैं। जैसे स्पाइडर भी, अगर मैं पॉइजनस स्पाइडर की बात करूँ, वो भी डंक मारते हैं, आपके स्कॉर्पियन भी और आपके माइट भी है, ठीक है। ये माइट ना आपने देखा होगा कई बार एनिमल्स में, टिक या माइट, ये सब जो है आपके अरैकनिडा, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन एक और लिखा होता है टिक, तो ये भी आपका अरैकनिडा में ही आता। ये जो टिक और माइट है आपने सुना होगा, जैसे डॉग्स में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो यही सब होते हैं, टिक होते हैं, माइट होते हैं, बेसिकली ह्यूमंस के जो जुए होते हैं उसके होमोलॉगस आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रैब, क्योंकि क्रैब जो है वो आपका आता है क्रस्टेशियन ग्रुप में, ठीक है, और बाकी तीन आते हैं आपके अराकनिडा ग्रुप में, ठीक। तो आंसर है आपका क्रैब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, टिक्स और माइट्स क्या है, ठीक है। तो टिक्स और माइट आपको अभी जस्ट पता है स्पाइडर की फैमिली का है, अरैक, अरैक का मतलब होता है स्पाइडर, और स्पाइडर की फैमिली के जितने भी है वो सब आपके टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, अभी पीछे आपको और भी एग्जाम्पल देखिए स्कॉर्पियन हो गए, ये सब आपके अरैकनिडा फैमिली के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरैकनिडा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरैकनिडा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज और है अरैकनिडा के बारे में समझते हैं। अरैकनिडा, अरैकनिडा जो है इसमें आपके यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं टिक्स और माइट्स, आपको और एग्जांपल पता चल गया स्कॉर्पियन है, ठीक है। आपको और एग्जांपल पता चल गया जो पीछे आपके क्वेश्चंस में ही दिया है, जैसे कि आपका स्कॉर्पियन है, ये सब आपके अरैकनिडा फैमिली में। तो अरैकनिडा फैमिली में क्या होता है, बेसिकली इसमें फोर पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है, फोर पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। और फोर पेयर ऑफ लेग्स में बेसिकली इसमें तीन पेयर जो लेग्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक पेयर में थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट होता है, कुछ चीजें वो कुछ अलग चीज बनाता है, या तो ग्रैब करने के लिए या किसी को डंक मारने के लिए ऐसी चीज एक बनी होती है, ठीक है। ये पूरा अराकनेडा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लो वर्म इज, ग्लो वर्म को क्या कहते हैं, जुगनू, आपने जो सुना होगा जुगनू, उसको हम ग्लो वर्म कहते हैं। तो जो जुगनू होता है, ये जो आपको पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है जुगनू का, ये एक पूरा का पूरा, अगर ये चीज हम कहें कि क्या है, ये इंसेक्ट है, ठीक है। ग्लो वर्म क्या है, ये इंसेक्ट है, ये इनवर्टिब्रेट ल्यूमिनस इंसेक्ट है, क्या है ये, इनवर्टिब्रेट ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है जो जलता है, ठीक है, ल्यूमिनस इंसेक्ट है। अब ये जो इसका नाम है, इस नाम से इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ग्लोवर्म क्या है, एक इंसेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ग्लोवर्म का जो लार्वा, इसमें जो लार्वा होता है या जो पूरा एडल्ट हो जाता है, इनमें क्या होता है, ये ग्लोवर्म में अंदर की तरफ एक ट्यूब होता है जो कि इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक लगा हुआ होता है, और इस ट्यूब में वो एक केमिकल चलता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, वो सब चलता है जिसके तहत इसमें एक लाइट जलती है, ठीक है। वो इसके जीन में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लाइट जल रही है इसमें, ठीक है। तो ये आप, ये किस ग्रुप का है, किस फैमिली का है, ये इंसेक्ट का है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जाम में कि पूरे अगर हम इनवर्टिब्रेट में कहें तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रुप होता है आर्थ्रोपोडा का, और अगर आर्थ्रोपोडा में भी पूछे सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है तो वो होगा इंसेक्टा फैमिली का, ठीक है, काफी डाइवर्स है इंसेक्टा फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इसमें कौन सा इंसेक्ट नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस आर बेड बग, स्पाइडर, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, ठीक है। बेड बग हो गया या हाउस फ्लाई हो गया या मॉस्किटो, ये तीनों ही आपके जो हैं अलग फैमिली में आते हैं। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, ये अरैकनिडा फैमिली का है। कौन सी फैमिली का है, अरैकनिडा फैमिली का, इंसेक्टा फैमिली का नहीं है। जो इंसेक्ट होता है वो इंसेक्टा फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक है, ये अरैकनिडा फैमिली का है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है इसमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगेन आंसर जो है सेम हो जाएगा, यूपी पीसीएस में, यूपी यूडीएम में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, हर जगह ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो स्पाइडर्स जो है बेसिकली अराकनेड्स को बिलोंग करते हैं, और आपको भी जस्ट पता है कि अराकनेड्स में आपके टोटल जो है एट लेग्स होते हैं, फोर पेयर ऑफ लेग्स, एट लेग्स होते हैं, कोई विंग्स नहीं होते, ठीक है, टोटल एट लेग्स हैं, ठीक है, नो विंग्स, कोई विंग्स नहीं है, ठीक है। मॉस्किटो में भी आपको विंग्स दिखते हैं, आपको हाउस फ्लाई में भी दिखते हैं, बेड बग में भी आपको थोड़े छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है, कोई विंग्स नहीं होता, कोई एंटीना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये सब इसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता अरैकनिडा फैमिली में, बट ये प्रेजेंट होता है इंसेक्टा फैमिली में, ठीक है।
और सबसे बड़ी चीज है कि स्पाइडर फैमिली के जितने भी होते हैं वो सब प्रिडेटर्स होते हैं खुद के लिए, ठीक है। वो एक दूसरे को ही खा लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्कॉर्पियन को भी देखा है, स्कॉर्पियन में क्या होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो वो मेल को ही खा जाती है, ठीक है। क्योंकि वो जिस जो उसका प्रेगनेंसी का जो दौरान होता है उस टाइम पे वो कुछ और खाना नहीं खाती, तो वो मेल को जब खा लेती तो वो एनर्जी उसको पूरा उस टाइम पीरियड के लिए पूरी एनर्जी उसको मिल जाती है और वो आराम से एक जगह बैठती है। और फिर उसके बाद उसमें से जब बच्चे निकलते हैं, खूब सारे बच्चे निकलते हैं, तो इतने ज्यादा बच्चे निकल जाते हैं कि मदर का खुद पर खुद डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से सैक्रिफाइस भी आपको दिखेगा स्पाइडर में, जो कि और बाकी जो इसमें तीन ऑप्शंस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उसमें 6 लेग्स होते हैं और स्पाइडर में 8 लेग्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, इसमें आपको टोटल 6 लेग्स दिखेंगे। बेड बग में भी आपको 6 लेग्स दिखेंगे, लेकिन अराकनेडा में आपको टोटल 8 लेग्स दिखेंगे। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो कि स्पाइडर जो है वो अराकनेडा फैमिली को बिलोंग करता है, इंसेक्टा फैमिली को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है नंबर, स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट। अभी जस्ट इसका आंसर बताया कि स्पाइडर्स इंसेक्ट की फैमिली को बिलोंग नहीं करता, मैंने ये जस्ट बोला। क्यों नहीं बिलोंग करता? क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के पास होते हैं टोटल 6 लेग्स, ठीक है। कितने होते हैं इंसेक्ट के पास? इंसेक्ट के पास होते हैं टोटल 6। अब किसी मच्छर को पकड़ना, उसके उसके टांगे को काउंट करना, ठीक है। टोटल आपको कितने मिलेंगे? 3 पेयर्स, 6 लेग्स आपको टोटल मिलेंगे। लेकिन जब आप किसी स्पाइडर को पकड़ के उसका काउंट करोगे ना, उसमें टोटल 8 लेग्स होते हैं, ठीक है। कितने लेग्स होते हैं? 8 लेग्स। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ये तो याद करने वाली चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। उत्तराखंड में पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसको आप नॉक्टर्नल एनिमल्स को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आप रात में जब हम सोते हैं तो कोई एक ऐसा है ना ऑर्गेनिज्म जो आके गाने सुनाता है, ठीक है। कौन है वो? मॉस्किटो। रात में जैसे ही हम सोएंगे, लाइट बंद करेंगे, तुरंत ये गाना सुनाना चालू कर देता है। तो आपको तो क्लियर कंफर्म हो गया कि नॉक्टर्नल एनिमल में एक मॉस्किटो तो कंफर्म है, तो यानी कि ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब जैसे हम लोग जो बहुत रात तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग की मम्मी क्या कहती है कि उल्लू की तरह मत जगो, ठीक है। तो उल्लू की तरह मत जगो यानी कि आउल भी जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल है। बैट्स सबको पता है, चमगादड़ नॉक्टर्नल है, ये आंसर सही हो जाएगा। अब स्पैरो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सुबह की पहली किरण के साथ जो स्पैरो है वो चहचहाती है कितना सुंदर, तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो, अगर बाई चांस आपको एक दो में डाउट है तो आप इस तरीके से याद करके निकाल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसका है मॉस्किटो, बैट्स एंड आउल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉस्किटोज। मॉस्किटोज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब आप मॉस्किटो का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ते हो उसमें से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कभी इसको डिटेल में करेंगे, पर फिलहाल बेसिक देखते हैं। तो देखिए जो आपके मॉस्किटो में जो मेल मॉस्किटो होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो मेल मॉस्किटो होते हैं, फीमेल मॉस्किटो, जो मेल मॉस्किटो होता है इसको किसी के खून वून से कुछ लेना देना नहीं, सिंपली फ्रूट जूसेस पे रहता है, ठीक है। यानी ये फ्रूट जूस पीता है और इसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो होती है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जब प्रेग्नेंट होती है, जिस टाइम पे फीमेल मॉस्किटो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उसके अंदर जो बच्चे हो रहे हैं, जो अंडे हो रहे हैं, उन अंडों को चाहिए होता है नरिशमेंट, ठीक है। और नरिशमेंट के लिए चाहिए होता है ब्लड, ठीक है, नरिशमेंट के लिए चाहिए होता है ब्लड। तो ये ब्लड जो है वो हमसे ब्लड ले लेती है। तो क्या करती है? फीमेल सक्स ब्लड, ये ब्लड को सक करती है, ठीक है। और ब्लड को सक करके वो बेसिकली वो क्या कर रही है? अपने बच्चों को नरिशमेंट दे रही है, ठीक है। एक काम तो ये हो रहा है, दूसरा काम अब देखिए जो मॉस्किटो है उसको ये काम बराबर करना है, ठीक है, बराबर उसको ब्लड सक करना है, नरिशमेंट देना है। तो उसको उसको इतना एक्टिव होना होगा कि वो जैसे ही कोई उसको मारने जाए तो उसको पता चल जाए कि हाँ कोई मुझे मारने वाला है और उड़ जाना है, ठीक है। तो बेसिकली उसके जो विंग्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि जैसे ही किसी का हाथ पास में आए उसके विंग्स में थोड़ी वाइब्रेशन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो, जिससे उसको पता चल जाए कि हाँ कोई मुझे मारने वाला है और वो तुरंत उड़ जाए, ठीक है। तो इसमें जो आपका मेल है इसके विंग्स जो है छोटे होंगे और जो फीमेल है इसके विंग्स जो है बड़े होंगे, तभी तो जल्दी से वाइब्रेशन मिल जाएगा उसको, ठीक है। अब इतनी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है ना तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पहले ये 3 और उसके बाद ये 2, इन दोनों को ध्यान दीजिए। ओनली मेल सक ब्लड, ठीक है, तो मेल तो ब्लड सक नहीं करता, ठीक है, गलत हो गया। ओनली फीमेल सक ब्लड, यस, ओनली फीमेल मॉस्किटो सक ब्लड, ठीक है, ये सही है। अब फीमेल सक प्लांट जूसेस, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मेल्स हैव बिगर विंग्स देन फीमेल्स, नहीं,
फीमेल्स हैव बिगर विंग्स देन मेल्स, ठीक है। तो पहले अगर तीन में से आपको देखना है कौन सा सही है आपका, सेकंड आपका सही है, तो इसमें कौन सा, ओनली टू, एक ये है और एक ये है। उसके बाद सेकंड में देखिए फोर और फिफ्थ में, फीमेल्स हैव बिगर विंग्स देन मेल्स, ये सही हो जाएगा, एंड टू एंड फाइव आर करेक्ट, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर वॉटर इन द इंटेस्टाइन। तो अगर वाटर स्टोर करने की बात आती है तो हमेशा कैमल जीतता है, ठीक है। जिराफ भी है जो वाटर को स्टोर कर लेता है, बल्कि काफी लंबा स्टोर कर लेता है। कैमल जो है वो एक बार में लगभग 100 लीटर पानी पी लेता है, ठीक है, और उसको स्टोर करके रख लेता है अपने इंटेस्टाइन में, जब जब उसको जरूरत होती है उसको यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल आपका जो होगा वो कैमल होगा, इसके बारे में सबको पता ही है। इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस वॉक कर लेता है डेजर्ट हिल में, जहाँ पे प्रॉपर हम चल नहीं पाते वहां पे ये आराम से चल लेता है, ठीक है। इसको ना तो पानी की जरूरत होती है ना तो भूख लगती है इसको, तो इसी वजह से कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। पानी पे नहीं चल सकते ना, उस तरीके से जो सैंड, जो डेजर्ट में जो मिट्टी होती है उसमें भी हम प्रॉपरली चल नहीं पाते, ठीक है, लेकिन वहां कैमल आसानी से फ्लोट करता है और आसानी से चल लेता है, इसलिए उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ब्रॉड फ्लैट और लेदरी पैड्स होते हैं उनके, उनके जो फुट होते हैं उसमें, इनका ब्रीदिंग रेट बहुत ही स्लो होता है, इसलिए वो बहुत लंबे लंबे समय तक, जब आप बहुत तेजी से ब्रीथ करोगे तो उतना ज्यादा आपको वाटर की जरूरत, वाटर की नीड होगी। बहुत स्लोली स्लोली ब्रीथ करते हैं तो उतना कम इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, और ये लगभग 100 लीटर पानी एक बार में पी जाते हैं और अपने इंटेस्टाइन में स्टोर कर लेते हैं उसको, ताकि अगर उनको फ्यूचर में जरूरत हो तो वो उसको यूज कर ले, ठीक है। IAS में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स इज होमोलॉगस टू, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि इस बंदे की जहर जैसी जुबान है, ठीक है, तो आप उस तरीके से कहो कि जो आपके स्नेक है उसमें जहर होते हैं, ठीक है। अब जहर होता है तो ये पूछा है कि वो होमोलॉगस, यानी कि अगर हम उसको ह्यूमन से देखा जाए, ठीक है, स्नेक्स को अगर ह्यूमन से कंपेरिजन किया जाए तो इसका जो पॉइजन ग्लैंड होता है वो हमारे किस चीज के होमोलॉगस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम बोलते हैं ना जुबान, जहरीली जुबान, ठीक है, तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, बस कुछ ऐसा चीज आपको बनाना होता है जिससे वो चीजें याद रहे, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के सलाइवरी ग्लैंड के होमोलॉगस होता है, ठीक है, आपके जो स्नेक्स हैं उनके पॉइजनस ग्लैंड। तो बेसिकली क्या है कि इसमें से जो आप स्नेक्स में जो वेनम निकालते हो ना, वेनम, ठीक है, बोलते हैं ना स्नेक वेनम है के, ठीक है, एज अ एंटी वेनम उसको यूज कर लेते हैं जब किसी को वही वाला सांप काट लेता है। तो बेसिकली क्या है, ये सलाइवा का एक रिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, सलाइवा का एक रिफाइंड फॉर्म है जो सीधे डायरेक्टली वो अपने जो भी जिसको भी काट रहा है उसको दे देता है, और उसमें क्योंकि वो पॉइजन है तो उस इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब कई तरीके की प्रॉब्लम है, किसी को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को मस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस तरीके से इन स्नेक्स भी होते हैं। कुछ स्नेक्स होते हैं जो सीधे आपके ब्लड वास्कुलर सिस्टम पे अटैक करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मस्कुलर सिस्टम पे अटैक करते हैं, ठीक है। खैर मूविंग ऑन, ये स्नेक्स के जो पॉइजन ग्लैंड है वो होमोलॉगस है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स के, ठीक है। अब ये पूछा है कि जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं, अब ये फैंग्स क्या होते हैं, ये फैंग्स होते हैं इसके टीथ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ठीक है, इस डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहे हैं दिस वन, ये इसके फैंग्स हैं, ठीक है, ये वाले, ये इसके फैंग्स हैं। फैंग्स मतलब तरीके से टीथ आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टीथ ना पीछे की तरफ एकदम हॉरिजॉन्टली टीथ रहता है, और अंदर की तरफ जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पीछे की तरफ ऐसे दबा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये अपना मुंह खोलता है किसी को डसने के लिए, जब मुंह खोलता है ना, तो ये जो टीथ होता है अंदर से, ये जो पॉइजन है अंदर से पॉइजन आता है, भर जाता है इसके टीथ में, और भरने की वजह से इसके टीथ जो एकदम सीधे हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही जिसको भी काटता है वो सीधे वो दो जो निशान पड़ते हैं वो इसके टीथ के पड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जब आप किसी को देखो, किसी को अगर सांप काटता है वो देखो, तो इस तरीके से होता है, बीच में दो इस तरीके से निशान होते हैं, ये जो दो निशान है ना ये इसके फैंग्स के। अगर ऐसा कभी भी किसी को कटा हुआ है, किसी को किसी सांप ने काटा, और अगर ऐसे भी दो निशान उसमें दिख रहे हैं, इसके अलावा अगर ऐसे निशान दिख रहे हैं इसका मतलब वो फैंग्स के निशान है, इसका मतलब वो स्नेक पॉइजनस है, ठीक है। अब ये जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं स्नेक के, वो किसके मॉडिफाइड है, ठीक है, कौन से टीथ के मॉडिफाइड है, तो वो जो है वो आपके मैक्सिलरी टीथ के मॉडिफाइड है। लगभग एक पेयर होता है, किसी किसी सांप में एक से तीन पेयर भी होते हैं, बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही कर्व्ड और शार्प और पॉइंटेड मैक्सिलरी टीथ होता है।
ठीक है, और स्नेक के अपर जॉ में आपको कभी भी लोअर जॉ में नहीं मिलेगा, स्नेक के अपर जॉ में। ये देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है ये दिस वन, ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये अपर जॉज में प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉज में ऐसे कोई टीथ इसमें नहीं प्रेजेंट होते। मूवेबल मैक्सिलरी का मतलब वही हो रहा है, मैं वही बता रही हूँ आपको कि जो मैक्सिलरी टीथ होती है वो पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टली अंदर की तरफ छुपी हुई होती है, और जैसे ही मुंह खोलता है वो किसी को डसने के लिए, वो तुरंत टीथ, क्योंकि मूवेबल है ना मैक्सिलरी टीथ, वो तुरंत टीथ जो है वो वर्टिकल हो जाते हैं और जो है वो उसमें सारा का सारा पॉइजन आ जाता है, वो डस लेता है। ठीक है, तो ये मैक्सिलरी टीथ का जो है मॉडिफिकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इतना ही था तो विद दिस थैंक यू। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करते चलेंगे। सो कल हम लोग करेंगे कुछ प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि क्लोव क्या है या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें। सो विद दिस थैंक यू।